दोस्तों, जब से हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़ा है, तब से अब तक गुजरात टाइटंस इस चिंता में चल रही है कि हार्दिक पांड्या की जगह आखिर कौन लेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका एक और नई मजेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट गुजरात टाइटंस को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया और कुछ ऐसे प्लेयर्स खरीद लिए हैं कि अब उनको हार्दिक पांड्या की कमी महसूस नहीं होने वाली है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन होने वाला है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट। इससे पहले मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है और उनकी जगह किसी भी टीम में कोई और प्लेयर ले ले ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लेवल के खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। वो शानदार गेंदबाजी के साथ साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, इसलिए इनका रिप्लेसमेंट मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आशीष नेहरा ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि उन्हें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिल गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर लेते हैं, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट मिलना काफी मुश्किल था। तो आशीष नेहरा ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि उनके बॉलिंग के लिए उन्होंने एक बॉलिंग रिप्लेसमेंट रख लिया और उनके बैटिंग के लिए उन्होंने एक बैटिंग का रिप्लेसमेंट रख लिया। कहने का मतलब यह है, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल होता है, तो इसकी मदद से वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की कमी और बैटिंग कमी दोनों पूरा कर सकते हैं। यानी आप एक इंपैक्ट प्लेयर ला के बॉलिंग भी करवा सकते हैं और बैटिंग के लिए दूसरा प्लेयर रख सकते हैं। तो बॉलिंग के लिए जो सबसे पहले नाम सामने आ रहा है वो है उमेश यादव का। इस बार ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने उमेश यादव को खरीद लिया है और उमेश यादव को हो सकता है इस बार वो इसी तरीके से यूज करे। एज इंपैक्ट प्लेयर उमेश यादव इस बार मैदान पे दिखने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा एक और उन्होंने बड़ी बोली लगाई है और ये ऑस्ट्रेलियन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जिनका नाम है स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है और 145 तक की स्पीड से अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। हालांकि उनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खासा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उनकी बॉल में काफी तेजी है। लेकिन इनको खिलाने का मतलब यह है कि आप केवल तीन ही और ओवरसीज प्लेयर्स को खिला सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुजरात टाइटंस में सबसे पहले नाम आएगा केन विलियमसन का ओवरसीज प्लेयर्स में, और उसके बाद डेविड मिलर, साथ ही साथ राशिद खान। ये तीन प्लेयर तो बिल्कुल फिक्स हैं, इनको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर राशिद खान को तो भाई आप गलती से भी टीम से बाहर नहीं रख सकते। तो चौथा प्लेयर जो कि नूर अहमद को गुजरात टाइटंस पिछले आईपीएल सीजन में खिला रही थी एज अ फोर्थ ओवरसीज प्लेयर, लेकिन इस बार कुछ मैचेस में हो सकता है कि आपको स्पेंसर जॉनसन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ की भारी कीमत पे खरीदा है। लेकिन बॉलिंग रिप्लेसमेंट की बात करें, जहां तक माना जा रहा है कि उमेश यादव ही उनकी जगह पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे एज अ इंपैक्ट प्लेयर। वो आएंगे अपना 4 ओवर फेंकेंगे, उसके बाद बैटिंग करने के लिए कोई और प्लेयर आएगा। तो अब हम बात करते हैं बैटिंग रिप्लेसमेंट के बारे में। इस बार के ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने एक और बोली लगा के शाहरुख खान को खरीद लिया है। जी हां दोस्तों, आशीष नेहरा ने इस बार हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर शाहरुख खान को टीम में जगह दी है। शाहरुख खान को इस बार गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीद लिया है और शाहरुख खान ही आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और एज ए इंपैक्ट प्लेयर आपको उमेश यादव बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, तब शाहरुख खान को बैठा दिया जाएगा। तो शाहरुख खान बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बड़े शॉट्स लगाने में वो माहिर है, वो अच्छे खासे बड़े शॉट्स लगा लेते हैं, लंबे लंबे छक्के मार लेते हैं और पिछले आईपीएल में उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और इस बार गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीद लिया है। गुजरात टाइटंस जो कि अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 2 बार लगातार फाइनल में जा चुकी है। तो इस टीम में आने के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और वो अच्छे शॉट्स लगाने में माहिर है। तो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में बैटिंग के लिए शाहरुख खान और बॉलिंग के लिए उमेश यादव को सिलेक्ट कर लिया है आशीष नेहरा ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा दे, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस हम अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।